कि आपका भी अकाउंट पीएनबी बैंक पे है, पंजाब नेशनल बैंक पे है और आप उसका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं पता या आप नहीं कर पा रहे हैं या आपका ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू नहीं हो पा रहा है, तो आज की वीडियो में बने रहें क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपको अपना डेबिट कार्ड या आपको अपना एटीएम कार्ड अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होगा जो कि फॉर्म आपको इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकता है और अगर आप चाहें तो इसको बैंक से भी जाकर लेकर आ सकते हैं। आप इसको फिल कैसे करते हैं आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म हमने ले लिया है, इसके अंदर हमें इसको फिल कैसे करना हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एटीएम डेबिट कार्ड। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड का अप्लाई करने के लिए है। साइड में यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको पर्सनलाइज कराना है तो यहाँ पे आप फोटो पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ भी सकते हैं। देन यहाँ पे आप लिखा हुआ है बीओ, यहाँ पे आपको अपना ब्रांच ऑफिस का नाम डालना है, जहां का भी आपका ब्रांच है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालनी है, आप जिस पे डेट को जा रहे हैं इसको डिपॉजिट कराने के लिए, आप वो डेट यहां पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर है रिक्वेस्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड प्लीज टिक। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको डेबिट कार्ड किस टाइप का चाहिए, तो आपको जिस टाइप का भी डेबिट कार्ड चाहिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लैटिनम का भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अगर आपके ट्रांजेक्शन होती है तो आप इसको टिक करिए, अदरवाइज आप नॉर्मली क्लासिक भी ले सकते हैं। जनरली लोगों जो ऑप्ट करते हैं वो क्लासिक करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासिक ऑप्ट किया है। आपको जो चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इन ब्लॉक्स लेटर, मतलब आपको यहाँ पे बड़ी एबीसीडी का यूज करना है, आप स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स का यूज कीजिए। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है कैपिटल वर्ड्स यानी ब्लॉक लेटर्स में। देन उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देने के बाद आपको अपना सरनेम लिखना है, ठीक है। जो भी आपके अकाउंट में नाम है वो आप यहाँ पे नाम अपना डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ सेकेंड अकाउंट होल्डर, ये उस केस में लिखा जाता है अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में आपका जो भी सेकेंड अकाउंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पर आएगा। अभी क्योंकि मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यहाँ पर फिर से आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखने हैं। यहाँ पे मेक श्योर आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यही सेम नाम आपके डेबिट कार्ड पे प्रिंट होने वाला है, तो मेक श्योर आप बिल्कुल तरीके से और बिना स्पेलिंग मिस्टेक के यहाँ पर नाम लिखिएगा, और जो भी आपका पूरा नाम लिखवाना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड पे वो नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको ज्वाइंट अकाउंट में फिल करनी होती है। हम सीधा आते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कार्ड में, पर्सनलाइज और नॉन पर्सनलाइज, आप सिंपली यहाँ पे पर्सनलाइज पर टिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए देखेंगे लिखा है मोबाइल नंबर की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, फॉर फ्यूचर जो भी आपकी अगर कम्युनिकेशन होती है बैंक के साथ तो वो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ डिटेल ऑफ मेन लिंक्ड अकाउंट, आपका जो भी मेन अकाउंट है उसकी यहाँ पे डिटेल देनी है। तो यहाँ पे हमारा मेन अकाउंट जो है वो टाइप ऑफ अकाउंट में आपके पास तीन ऑप्शन है, SF यानी सेविंग अकाउंट, CA करंट अकाउंट या OD अकाउंट, आपका जो भी आप चूज कर लीजिए। जनरली यहाँ सेविंग अकाउंट होता है इसलिए मैंने यहाँ पे SF पे SF लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर आपको 16 डिजिट का अपना अकाउंट नंबर देना है अपने PNB बैंक का। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया है, यहाँ पे मैंने SF लिख लिया है, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे कर दीजिए। देन इसके बाद सिंपली हमको लास्ट में आना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट अकाउंट होल्डर का यहाँ पे साइन करना है, और यहाँ पे क्योंकि सेकेंड हमारा नहीं है क्योंकि हमारा ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे साइन करके इसको दे सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस फॉर्म को आपको जाके बैंक पे देना होता है तो आपका बैंक जो भी है आपका डेबिट कार्ड वो इशू कर देता है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा डेबिट कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।